नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश को रायसेन में खराब हुई फसलों को अंधेरे में मंत्री बलराम चौधरी ने देखा। रायसेन में बारिश ओले से नष्ट हुई फसल देखने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बलराम चौधरी। अंधेरा होने पर अधिकारियों ने टॉर्च जलाकर खराब फसल दिखाई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने मौके पर किसानों को आश्वासन देते हुए एसडीएम को तेजी से सर्वे करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी अपने विधानसभा सांची क्षेत्र के ग्राम बारला और आसपास के ग्राम में फसल बर्बाद का जायजा लेने पहुंचे, जहां उनके साथ में एसडीएम एलके खरे, नायब तहसीलदार शिवांगी खरे सहित राजस्व की टीम मौजूद रही। वहीं खेत में पहुंचते समय अंधेरा होने पर अधिकारियों ने टॉर्च मोबाइल टॉर्च जलाकर उन्हें फसल दिखाई। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने मौके पर खराब फसलों का सर्वे तेजी से करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध कराई जा सके। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि सर्वे में कोई किसान छूट ना सके। रायसेन से अली हसीन की रिपोर्ट। रायसेन तहसीलों के 9 से 10 गांवों में ओलावृष्टि से नुकसान की सूचना है। परसों रात में ओले गिरे थे और कल समस्त राजस्व अधिकारी जो हैं वहां उन्होंने वहां भ्रमण कर लिया। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा भी भ्रमण कर लिया। इसका विस्तृत सर्वे किया जा रहा है और जो नुकसान किसानों को हुआ है तो शासन के जो निर्देश हैं उसके तहत उनको जो क्षतिपूर्ति है वो दी जाएगी। सर, प्रारंभिक तौर पर कुछ आया नहीं कल तो कितना नुकसान किया? अभी तो सर्वे चल रहा है, फिर भी नुकसान जो है वो कुछ फसलों में ज़्यादा है, जैसे कि चना है, मसूर है, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा है और बाकी में अभी कम है। आज धूप निकली हुई है तो सर्वे शुरू हुआ है। जो भी प्रारंभिक जो आकलन है वो 20-25% बता रहे हैं हमारे राजस्व अधिकारी, पर अंतिम स्थिति जो है वो सर्वे के बाद ही सामने आ पाएगी।